रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2023 का मुकाबला खेला गया। इकाना स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने उतरी। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने एक बेहद छोटा सा टोटल बनाया। टीम 126 रन ही स्कोरबोर्ड पर बना सकी और टीम ने इस दौरान अपने तमाम विकेट्स खोए। टीम के लिए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ही पारी खेलते हुए नजर आए। इसके अलावा टीम के लिए बस मात्र दिनेश कार्तिक रहे, जिन्होंने डबल डिजिट में रन बनाए। वहीं सभी बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। 127 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत भी काफ़ी खराब रही। टीम के लिए शुरुआत आयुष बदोनी और कायल मारिस ने की, लेकिन कायल मारिस मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम बल्लेबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या को भेजते हुए नजर आई, लेकिन कृणाल पांड्या भी ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। बता दें कि बेंगलोर के ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने कृणाल पांड्या को गेंद फेंकी। इस दौरान पांड्या ने हवा में शॉट खेला और विराट कोहली को कैच थमा बैठे। विराट कोहली ने एक शानदार कैच लव की और इस दौरान विराट कोहली ने जब कैच लव की तो उनका रिएक्शन तेजी से वायरल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि विराट ने जैसे ही कैच लव की, इसके बाद उन्होंने चुप रहने का इशारा किया, जो कि गौतम गंभीर ने बेंगलोर के खिलाफ जब आईपीएल सीजन 2023 का पहला मुकाबला खेला गया था, बेंगलोर को हराने के बाद लखनऊ की जीत के बाद किया था। यानी कि जिस तरीके से गौतम गंभीर ने लखनऊ की जीत के बाद चुप रहने का इशारा किया, उसी तरीके से विराट कोहली ने भी कैच पकड़ने के बाद वही इशारा मैदान पर किया और इसके बाद उन्होंने टी शर्ट पर छपे बेंगलोर के लोगों की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं बेंगलोर का खिलाड़ी हूँ, और उनका ये रिएक्शन तेज़ी से वायरल हो गया। ऑडियंस में बैठी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, जिनका जन्मदिन है, वो भी काफ़ी खुश नजर आई और वह तालियां बजाते हुए अपने पति और साथ स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को प्रेस करती हुई नजर आई। इसके बाद आपको बता दें कि विराट कोहली यहीं तक नहीं थमे। इसके बाद बेंगलोर के गेंदबाज जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने के लिए आए। सामने आयुष बदोनी थे। आयुष बदोनी का कैच विराट कोहली ने एक शानदार तरीके से बिल्कुल विकेट के पास खड़े होकर के पकड़ा और इसके बाद एक बार फिर उन्होंने फ्लाइंग किस का इशारा किया और एक शानदार तरीके से अपनी कैच का जश्न मनाया। एक बार फिर उनकी पत्नी उनके लिए तालियां बजाती हुई नजर आई और इस दौरान जिन तमाम लोगों का खुशी से चेहरा नजर आया, तो वहीं गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल हो गया, जो बिल्कुल शांत बैठे हुए डगआउट में नजर आए। आपकी जो कुछ राय है विराट के रिएक्शन को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।